और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब मैं बात करता हूं, 1947 से लेकर 2016 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने थे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के सहयोग से और अपने संसाधनों से लगभग 32 मेडिकल कॉलेज 16 से लेकर के 2020-21 के बीच में बनाई है या उनको स्वीकृति दी है। विगत वर्ष हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8 नए मेडिकल कॉलेजेज में प्रवेश प्रारंभ किया था और सफलतापूर्वक मेडिकल कॉलेजेज अपनी सेवाएं प्रदेशवासियों को प्रदान कर रहे हैं, अपनी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं और कोरोना महामारी के दौरान उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। अभी एनएमसी के इंस्पेक्शन के साथ जैसे ही अप्रूवल मिलेगा 9 मेडिकल कॉलेजेस में प्रथम सत्र के शुभारंभ का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा, यानी 17 मेडिकल कॉलेज तो ये हैं जिन्हें हम मात्र 4-4.5 वर्ष के दौरान जिन पर हम पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं और इस 21-22 के लिए हम 14 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं जिनकी स्वीकृति दी जा चुकी है, बजट का प्रावधान किया जा चुका है, वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब प्रदेश के अंदर 16 जनपद ऐसे हैं जहां पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जैसे महाराजगंज है, संत कबीर नगर है, मऊ है, बलिया है। ऐसे 16 जो जनपद बचे हैं इनको भी हम पीपीपी मोड में एक नई कार्य योजना इनके लिए हम लोगों ने तैयार की, एक पॉलिसी हम लोगों ने इसके लिए बनाई है और इस पॉलिसी के अंतर्गत अगले 6 महीने के अंदर हम लोग इन सभी जनपदों में भी एक एक नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में राज्य सरकार के सहयोग से और भारत सरकार के सहयोग से स्थापित करने की एक कार्य योजना को लेकर के आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिस उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, उसी उत्तर प्रदेश में जब केंद्र और राज्य में एक जैसी विचारधारा की सरकार होती है, एक पार्टी की सरकार होती है, तो उसका क्या प्रभाव होता है, केवल मेडिकल के क्षेत्र में ही हम देख सकते हैं कि 75 के 75 जनपद मेडिकल कॉलेजेस से आच्छादित होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने विगत वर्ष 2 एम्स का भी शुभारंभ किया, एम्स गोरखपुर जिसमें एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में प्रवेश हुए थे और रायबरेली में भी, एम्स गोरखपुर और रायबरेली के एम्स बनकर के तैयार होने जा रहे हैं। गोरखपुर एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के करकमलों से अक्टूबर माह में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। एम्स विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के लिए जाना जाता है और एम्स के विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो पाएगी, यह एक उपलब्धि पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से विशेष रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। खासतौर पर जो उपलब्धियां इस दौरान प्रदेश ने हासिल की, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देवरिया में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, पहले केवल बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था, आज यहां पर मेडिकल कॉलेज देवरिया में इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, इसी प्रकार से बस्ती में मेडिकल कॉलेज विगत सत्र में प्रारंभ किया जा चुका है, कुशीनगर में नया मेडिकल कॉलेज इस नए सत्र में 21-22 में हम लोगों ने स्वीकृति दी है,
उसके लिए धन आवंटन हो चुका है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, केवल कार्य वहां पर प्रारंभ भी हो चुका है। एक कुशीनगर की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज है, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, यानी ये सभी नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। यानी मेडिकल कॉलेजेस की एक नई श्रृंखला यहां पर खड़ी हो रही है। देवरिया का ये मेडिकल कॉलेज जिसकी कुल लागत लगभग 208 करोड़ है, इनमें से 155 करोड़ रुपए यहां पर अब तक खर्च हो चुके हैं और ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। एक फुल फ्लेश मेडिकल कॉलेज के रूप में इस मेडिकल कॉलेज के पास पर्याप्त अपना संसाधन होगा, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हमें मिला भी। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोरोना कालखंड में, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में, कैसे राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को इस कोरोना महामारी से बचाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। आप सब मीडिया से जुड़े हुए मित्र हैं और आप सब मीडिया से देश और दुनिया की खबरों को पढ़ते होंगे। कितना, यानी दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश, विकसित देश, कोरोना से त्रस्त हैं, संभले नहीं संभल पा रहा है। तमाम राज्यों में कोरोना की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें काफी बड़ा रोल रहा है। हेल्थ जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। कोरोना वॉरियर्स ने काफी अच्छा योगदान किया है। जनप्रतिनिधियों की सक्रियता, प्रशासनिक मशीनरी की संवेदनशीलता ने इस अभियान को और नई गति दी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो विगत 4 वर्ष के दौरान मस्तिष्क ज्वर देवरिया जनपद जिससे सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से था, आज पूरी तरह नियंत्रण की स्थिति में है। 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित किया जा चुका है। आने वाले समय में किसी भी प्रकार की महामारी को रोकने में महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इसीलिए मैं आज मेडिकल कॉलेज देवरिया जनपद को आने वाले समय में प्राप्त होने वाला है उससे पहले यहाँ निरीक्षण करने के लिए आया था और निरीक्षण का कार्य, यहाँ पर जो कार्य अब तक हुआ है संतोषजनक स्थिति में है। इस नए सत्र में हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने और यहाँ के माध्यम से उन्हें अपने मेडिकल क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक सुअवसर दे पाएंगे। इस दृष्टि से देवरिया का यह मेडिकल कॉलेज देवरिया की जनता की सेवा के लिए समर्पित है। आने वाले समय में इसको प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। इस दृष्टि से इसकी पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रथम सत्र के लिए जो भी कार्य औपचारिकताएं होनी ये सब पूरी हो चुकी हैं, केवल इंस्पेक्शन की आवश्यकता है, इंस्पेक्शन की तैयारी है और उसको हम पूरी तरह कर रहे हैं। फैकल्टी की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मुझे लगता है कि कोई भी कमी यहाँ पर रहनी नहीं चाहिए। जो मैंने अब तक यहाँ पर निरीक्षण किया है, जो मैंने बैठक में जो चीज़ें देखी हैं कि फैकल्टी पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ पर सपोर्टिंग स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में है, यानी जो NMC की गाइडलाइन है उससे अच्छी संख्या में इनके पास है और उसको हम और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। लैब हैं, लाइब्रेरी हैं, क्लासरूम हैं, ये सभी अच्छी स्थिति में यहाँ पर इन लोगों ने तैयार की हैं और भी अच्छे ढंग से हम इसको आगे बढ़ाने में सफल होंगे। छात्रों के छात्रावास, छात्राओं के भी छात्रावास तैयार हो चुके हैं
उनके रहने की व्यवस्था, जो फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं उनके भी आवासीय सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, उनको कराया जा चुका है। उसमें कुछ फैकल्टी मेंबर उसमें रह भी रहे हैं। फैकल्टी मेंबर के रूप में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं वे भी अपनी सेवाएं दे पाएंगे और उनके लिए आवासीय व्यवस्था पहले से है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जैसे ही NMC की इंस्पेक्शन होता है और मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल मिलता है, उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के करकमलों से इन सभी 9 मेडिकल कॉलेजेस का शुभारंभ भी करवाएंगे। मैं इस अवसर पर यहाँ पर अच्छे ढंग से मेडिकल एजुकेशन ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, हम बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करा सकेंगे। इसकी तैयारी लोग अतिशीघ्र करवा करके इंस्पेक्शन आदि की औपचारिकताओं को पूर्ण करवा करके इस नए सत्र में हर हाल में प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न हो सके। कोरोना महामारी के बावजूद यह राज्य सरकार की और देवरिया के लोगों की एक उपलब्धि होगी कि कोरोना महामारी के बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रयास से मेडिकल कॉलेज एक नए रूप में आगे बढ़ रहा है। यही मुझे आप सबसे कहना था। धन्यवाद जी।